हंसने वाली सरकारों ने क्या किया है। यहां पर दो सरकारें एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं। मायावती जी की सरकार कहती है मैं साइकिल वालों से आगे निकल जाऊंगी, साइकिल वाले कहते हैं नहीं हम तुमसे आगे निकल जाएंगे। दोनों के बीच में स्पर्धा होती है, किस बात की होती है। पहले मायावती जी के समय में तीन महत्वपूर्ण देश सामान्य मानव की सुरक्षा के मुद्दे, गंभीर प्रकार के तीन गुना, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक था मायावती के जमाने में। पूरे देश में सबसे ज्यादा तीन प्रकार के गंभीर गुना, सबसे पहला नंबर गुनाहगारी में उत्तर प्रदेश का था। फिर ये नौजवान आए, उनको लगा मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मायावती का तीन था इन्होंने पांच कर दिया। पांचों जो प्रमुख गुना माने जाते हैं, इन पांचों प्रमुख गुना के अंदर आज उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में ये पांच प्रमुख जो गुना है, एक दिन में, मैं लंबी बात नहीं करता हूं, एक दिन में 7650 वारदात होती है, 7650 उत्तर प्रदेश में एक दिन में, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 21 मां बेटियों पर बलात्कार करने का प्रयास होता है। आप मुझे बताइए, ये माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये गुनाहगोरी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 13 हत्याएं होती हैं, 13 हत्याएं, एक दिन में 13 हत्याएं, एक दिन में 33 अपहरण होते हैं, किडनैपिंग होते हैं, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 19 दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 136 चोरी की घटनाएं घटती है। और ये तो जो लोग हिम्मत करके पुलिस थाने में जाकर के लिखवा पाते हैं उनकी बातें हैं, जो लिखवा नहीं पाते, पुलिस थाने तक जा नहीं पाते, वो हिसाब तो अलग ही है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए, ये मुट्ठी भर लोग बेखौफ होकर के राजनेताओं का आश्रय पाकर के सामान्य व्यक्तियों की हत्या करना, लूट करना, अपराध करना, ये उनका पैशन बन गया है, इसे रोकना है। और इसलिए इसलिए मेरे अलीगढ़ के भाइयों बहनों, इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये गुंडागिर्दी, ये जमीन माफिया, ये भू माफिया, ये खनिज माफिया, ये अपहरण करने वाले माफिया, ये माताओं बहनों पर बलात्कार करने वाले माफिया, इन सबको उत्तर प्रदेश से निकाल रहा है। भाइयों,